नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के 5 एवं झारखंड राज्य की 7 जगहों पर ईडी का एक साथ जांच अभियान चल रहा है। ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन घोटाले को लेकर यह छापेमारी चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता सॉल्ट लेक सेक्टर 5 HB ब्लॉक जोधपुर पार्क और नोरा पुकुर स्थित व्यवसायी अमित अग्रवाल और संजय घोष के घर एवं प्रतिष्ठानों में छापेमारी चल रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में बढ़ते डेंगू के प्रकोप से स्वास्थ्य विभाग की नींदें उड़ चुकी है। हर रोज डेंगू से कोलकाता समेत जिले के किसी न किसी जगह पर डेंगू से मारे जाने की पुष्टि हो रही है। राज्य भर में अब तक डेंगू से मारे जाने की संख्या 70 के पार पहुंच चुकी है। एक पुलिस अधिकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी की मौत भी डेंगू से हुई है। राज्य भर में अब तक डेंगू से लगभग 50,000 से अधिक लोग संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती है। कोलकाता पुलिस के एसटीएफ ने महानगर कोलकाता के एपीसी रोड में एक घर में छापेमारी कर जाली नोट समेत 3 अत्याधुनिक रिवॉल्वर, 100 राउंड कारतूस समेत एक देसी पिस्तौल बरामद किया है। इस घटना में न्यू अलीपुर के रहने वाले जय चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस समूचे मामले की छानबीन कर रही है। आखिरकार मवेशी तस्करी कांड में गिरफ्तार बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में हाजिर होना ही पड़ा। पिछले 3 दिनों से सुकन्या ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में हाजिर हो रही है। ईडी अधिकारियों ने पहले दिन 8 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे एवं शुक्रवार तीसरे दिन भी घंटों पूछताछ जारी रखी। इस मामले में अनुव्रत मंडल के करीबी राजीव भट्टाचार्य एवं उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को भी ईडी मुख्यालय में बुलाया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व वर्धमान जिले में पड़ने वाले दायहाटा नगर पालिका के चेयरमैन शिशिर कुमार मंडल को हटाया गया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अभिषेक बैनर्जी के आदेश पर शिशिर कुमार मंडल ने चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा दिया। एक युवती ने दायहाटा नगर पालिका के चेयरमैन पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिससे जुड़े ऑडियो क्लिप भी युवती ने सबूत के तौर पर पेश किया है। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।